बहराइच हिंसा को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि विसर्जन यात्रा रूट पर जब पुलिस तैनात थी तो ये बवाल कैसे हुआ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पुलिस को निष्क्रिय बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एवं राज्य के प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास में लें और हिंसा रोके, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यदि आशंका थी तो सरकार ने उसको लेकर प्रबंध क्यों नहीं किए। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गंभीर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वोट की राजनीति के लिए बीजेपी ऐसी घटनाएं करा रही है। बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद का आरोप है कि बीजेपी बहराइच हिंसा का लाभ उपचुनाव में लेना चाहती है। अब ये उपचुनाव भर यही राग आप लगाएंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, देखिए बट गए तो बहराइच में आप लोग मार खा गए। विपक्ष सरकार पर हमलावर है लेकिन एनडीए के सहयोगी दल बचाव में उतर आए। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे मामले में को सीधे संज्ञान लेते और तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित करते हैं और जांच में जो दोषी पाया जाता है वो कितनों रसूखदारों के खिलाफ कार्रवाई और ऐसी घटनाएं आगे न घटे उस पर भी कदम उठाएगा और निश्चित रूप से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बहराइच हिंसा को सरकार के खिलाफ साजिश बताया। पूरे प्रकरण को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है, उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ दोषियों से कड़ाई से निपटने के निर्देश दिए गए हैं, हर स्थिति में कानून के राज को हम मेंटेन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बिना नाम लिए संकेतों में विपक्ष पर करारा प्रहार किया। इसकी ताकत बढ़ गई है, जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई है, ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी। फिलहाल यूपी सरकार के बड़े अधिकारी बहराइच में मौजूद हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद आरोपियों की धरपकड़ तेज हो गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।